आज की जो वीडियो है वो इन तीन डायपरों के ऊपर है कि इन तीन डायपरों में से कौन से बेस्ट डायपर है। तो चलिए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटीफुल मॉमी। और जो आज मैंने वीडियो बनाई है वो स्पेशली न्यू पेरेंट्स के लिए बनाई है, क्योंकि जब हम पेरेंट्स बनने वाले होते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आते हैं कि हम बेबी के लिए डायपर कौन सा ले। अब मार्केट में आज के टाइम में तो इतने सारे डायपर हैं कि न्यू बॉर्न है, स्मॉल, मीडियम, लार्ज। ठीक है, चलो ये तो हमें पता है कि हाँ माई बेबी के लिए स्मॉल अच्छा रहेगा, मीडियम रहेगा कि लार्ज रहेगा, ये हमें पता है। साइज का तो हमें पता है, साइज की कोई दिक्कत नहीं है। मार्केट में इतने सारे ब्रांड है तो उसमें से चूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। हमें ये नहीं पता कि कौन सा ब्रांड हमारे बेबी के लिए अच्छा है। एज ए मॉम, जब मैं प्रेग्नेंट थी और मैं जब बेबी के लिए सामान इकट्ठे कर रही थी तो सबसे पहले दिमाग में यही आया था कि मैं बेबी के लिए कौन सा डायपर यूज करूं, क्योंकि मार्केट में इतने सारे डायपर हैं और समझ नहीं आ रहा था कौन सा डायपर बेस्ट है कौन सा नहीं है। तो मैंने सबसे पहले जो डायपर लेके आई थी बेबी के लिए, क्योंकि मार्केट में ज्यादातर सब लोग जिसके मुंह से सुनो पैम्पर 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 ही करते रहे, तो मैंने सोचा कि चलो भाई सब लोग पैम्पर ही कर रहे हैं तो क्यों ना पैम्पर लूं मैं। तो उस समय तो मैंने यू पैम्पर किया, फिर धीरे धीरे मेरे हस्बैंड ने कोई दूसरा ब्रांड के मंगवाने लगे, तब जाके जब घर में तीन चार तरह के ब्रांड हो गए तब जाके पता चला कि कौन सा ब्रांड अच्छा है कौन सा नहीं है। तो मैंने सोचा मेरी तरह आप लोग को भी इस बात का कंफ्यूजन होता होगा कि हम बेबी के लिए कौन से ब्रांड का डायपर लें, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। तो ये मैं बताती हूँ और मैं दिखाती हूँ कि कौन सा डायपर बेस्ट है। पहला जो मेरे पास डायपर है वो पैम्पर बेबी ड्राई पैंट्स है। ये स्मॉल साइज है और ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए है। 86 पैंट आती है और इसका प्राइस 1099 है। और ये वाला डायपर है, इसके अंदर ऐसा डायपर निकलता है। ये दूसरा डायपर है सपल का प्रीमियम पैंट्स और ये स्मॉल साइज है, इसमें 78 पैंट्स है और इसके अंदर से इस टाइप का डायपर निकलता है कि प्राइस 949 की है। ये हमने ग्रूफर से लिया है, मीडियम साइज का है और इसके अंदर देखिए 36 निकलते हैं, इसमें लिखा है यूनिसेक्स और 36 नंबर का है और इसके अंदर इस टाइप का डायपर निकलता है और इसका प्राइस है 399। तो आज मैं तीन अलग अलग ब्रांड के डायपर लेके आई हूँ, सारे अलग अलग साइज के हैं, न्यू बॉर्न से लेके मीडियम साइज तक के हैं। मेरे पास लार्ज साइज के इसलिए नहीं है क्योंकि मेरा बेबी अभी मीडियम साइज पे ही चल रहा है, क्योंकि मेरे पास तीन साइज है, वो है न्यू बॉर्न, स्मॉल और मीडियम। तो मैं आपको तीनों का रिव्यू दिखाती हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और कौन सा ब्रांड अच्छा नहीं है, कौन से डायपर अच्छे हैं जो बेबी को सूट कर सकते हैं और आपके बेबी को रैशेस भी नहीं देंगे। के डायपर दिखा दिए हैं, उसका क्वांटिटी भी बता दिया कि कितनी क्वांटिटी में आता है और कितना प्राइस है उसका, ये भी बता दिया। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि कौन सा इन तीनों में से कौन सा बेस्ट डायपर मुझे लगा और कौन सा आ सकता है। तो ये पैम्पर का डायपर है, पैंट स्टाइल है और अंदर से देखा जाए तो कुछ इस टाइप का है, ग्रीन ग्रीन टाइप का है और इसमें लिखा हुआ है कि कौन सा फ्रंट है कौन सा बैक है। बैक नहीं लिखा हुआ है लेकिन फ्रंट लिखा हुआ है यहाँ पे कि हाँ ये फ्रंट है, तो इससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सा पोजीशन आपको फ्रंट पे रखना है। बट अगर मैं डायपर की बात करूँ तो सही लग रहा है मुझे, पतला है, मतलब ऐसा नहीं कह सकती हूँ कि बहुत मोटा है, ठीक है पतला है। अगर आपका बेबी टॉयलेट कम करता है, जैसे बहुत से बेबी होते हैं टॉयलेट कम करते हैं, तो ये तीन चार घंटे चल सकता है, तीन चार घंटे से ज़्यादा नहीं चल सकता है। मतलब आप इसको, जो मुझे पर्सनली लगता है, आप इसको रात भर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत पतला है। मुझे जो चीज़ लग रहा है हाथ में आते ही ना, ये हाथ में आते ही ना बहुत पतला लग रहा है। अब आई दूसरे डायपर की, ये है सपल्स का प्रीमियम पैंट्स। जी हाँ, ये है सपल्स का। तो ये देखने में भी तो अच्छा लग रहा है, देखिए आगे पीछे से, बट इसमें फ्रंट का नहीं मेंशन किया है, बैक का मेंशन किया है, पीछे लिखा है कि ये बैक है, तो आप देख के पहना सकते हैं, बेबी को मेंशन अच्छे से कर रखा है। अगर इस डायपर की बात करें तो देखते हैं कि ये डायपर कैसा है। तो पैम्पर के मुकाबले ये डायपर काफ़ी अच्छा है, मैं इस डायपर को काफ़ी अच्छा बोलूँगी क्योंकि एक तो काफ़ी थिक है, जो ये वाला पोर्शन है ना ये काफ़ी थिक है और अगर बेबी का टॉयलेट निकल के भी आएगा ना तो इसमें एब्जॉर्ब हो सकता है। और जो ये पैम्पर वाला है इसमें मैंने कई बार देखा है, अगर मैं इसको पहनाती हूँ तो बेबी का कई बार टॉयलेट ना यहाँ से निकल जाता है तो बेबी के कपड़े गीले हो जाते हैं, बट इसमें ना ये चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है। और अंदर से बात करें तो अंदर से भी बहुत ही अच्छा है, मतलब ये जो लेयर बनी हुई है ना बीच में आप देख सकते हैं, बीच में एक एक्स्ट्रा लेयर लगाई हुई है ताकि ताकि बेबी का टॉयलेट अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके।
तो आप इस वाले डायपर को तो पूरी रात पहना सकते हैं। ये मुझे डायपर बहुत अच्छा लगा पैम्पर के मुकाबले। नेक्स्ट टाइम मुझे कभी भी खरीदना होगा तो मैं सफल का ही खरीदूंगी। काफी अच्छा है, मतलब हाथ में लेते ही कुछ पता चल रहा है कि कुछ हाँ मोटा सा फैब्रिक है। अब बात आई तीसरे डायपर की, जो मैंने ग्रूफर से खरीदा था। उसका कोई ब्रांड नेम नहीं है, ये ना ही ग्रूफर लिखा हुआ है, सिर्फ डायपर पैंट लिखा हुआ है। देखिए ग्रूफर का इस टाइप का डायपर है, इसमें फ्लावर, इसमें बटरफ्लाई फ्लावर बने हुए हैं। इसमें कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा बैक पोर्शन है और कौन सा फ्रंट पोर्शन है, बट इसमें एक चीज मेंशन है, इसमें लिखा है साफ साफ पर्पल लाइन इन फ्रंट, मतलब जहाँ पे पर्पल लाइन होगी वो आपको फ्रंट रखना है वो वाला पोर्शन। तो पर्पल लाइन ऐसे देखने में नहीं दिख रही है, बट जो अपर पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, अगर आप इसको स्ट्रेच करेंगे, देखिए पर्पल लाइन दिख रही है, देखिए आपको हल्की हल्की सी पर्पल लाइन दिख रही है, और पीछे के पोर्शन में देखिए पर्पल लाइन नहीं दिख रही है, तो दिख रही है, तो ये वाला पोर्शन आपका फ्रंट हो जाएगा। और यहाँ पे साफ साफ मेंशन भी है कि पर्पल लाइन फ्रंट। अब इस डायपर की थिकनेस देखते हैं कि इस डायपर की थिकनेस कैसी है। इस डायपर की भी थिकनेस मैं कहूँगी तो बहुत ही अच्छी है, मतलब ये पूरी रात चल सकता है। और अगर इसको अंदर से देखेंगे तो अंदर से ये पूरा वाइट कलर का है और काफ़ी अच्छा मोटा है, तो आप बेबी को अगर पूरी रात भर पहनाएंगे तो पूरी रात आपका अच्छे से काम करेगा, और जब आप चेंज करेंगे तब भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये भर गया है। तो मतलब बहुत अच्छा ये एब्जॉर्ब कर सकता है और बेबी को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। आप ट्रैवल के टाइम भी इसको यूज़ कर सकते हैं, ट्रैवल के भी टाइम आपको ये दिक्कत नहीं होगी कहीं बेबी का डायपर भर तो नहीं गया, क्योंकि ये बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये एक चीज़ और सबसे अच्छी बात मुझे इस डायपर की ये चीज़ लगी कि जो ये वाला लेग वाला पोर्शन है ये बहुत छोटा दिया है। जैसे कई बार डायपर में क्या होता है, ये वाला पोर्शन जो होता है काफ़ी बड़ा होता है, तो बहुत से पैंट्स की ये प्रॉब्लम होती है कि बेबी का टॉयलेट साइड से निकल रहा है, तो बट इसमें ये वाली प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है बहुत ही छोटा दिया है। आपका बेबी का पैर आएगा इसमें से, जैसे ही पैर बाहर निकलेगा तो ये पूरा ऐसे करके लॉक हो जाएगा, तो आपको इस बात का डर नहीं है कि कहीं बेबी का टॉयलेट बाहर ना निकल जाए। तो मैं इसको आपको रेकमेंड करती हूँ कि ये भी जो मैंने ग्रूफर से डायपर पैंट्स मंगवाए ये भी बहुत अच्छा है। मैंने आपको तीनों डायपर तो दिखा दिए, पैम्पर के, सपल्स के और जो ग्रूफर से मैंने डायपर पैंट्स मंगवाए हैं। अब उसमें से पर्सनली मुझे कौन से अच्छे लगे, कौन सा बेस्ट है जो मैं आपको रेकमेंड कर सकती हूँ, तो वो ये दोनों है, ये सपल का है और ये ग्रूफर का डायपर पैंट्स है। रेकमेंड करूँगी या ग्रूफर का, दोनों बेस्ट है, आप चाहे दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, क्योंकि ये इतनी अच्छी खासी थिक है ना कि पूरी रात आपके बेबी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपका बेबी चैन से सो सकता है। मुझे पता है सबकी पसंद अलग अलग होती है, मैंने आपको अपनी पसंद बताई है, बाकी आपके ऊपर है, आप एक बार चाहे तो अपनी तरफ से भी ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आप डायपर फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं तो बड़ा पैकेट मंगवाने से बेटर है कि आप छोटा पैकेट पहले खरीदें, उसको यूज़ करके देखें, अगर आपको अच्छा लगे तभी आप बड़ा पैकेट खरीदिए। अब कई बार क्या होता है पैंट्स बड़ा पैकेट ले आते हैं, क्योंकि बड़े पैकेट में क्या होता है थोड़ा बहुत डिस्काउंट मिलता है और छोटे पैकेट में बिल्कुल डिस्काउंट नहीं मिलता। तो आप अगर बड़ा पैकेट लेके आओगे और अगर आपको उसकी क्वालिटी और थिकनेस नहीं पसंद आएगी तो आपके पैसे वेस्ट जाएंगे। तो उससे बेटर है आप बेबी को जब भी फर्स्ट टाइम डायपर पहनाओ तो छोटा वाला पैकेट ला के देखो, पहना के देखो, आपको सही लग रहा है, आपको बेबी को सूट कर रहा है, क्योंकि सूट करने के ऊपर भी बात होती है, क्योंकि बहुत से ब्रांड के डायपर बेबी को सूट नहीं करते हैं, सारे बेबी की स्किन अलग अलग होती है, मार्केट में इतने सारे ब्रांड है, कौन सी कंपनी क्या यूज कर रही है हमें नहीं पता। तो उससे बेटर है आप कोई भी बड़ा पैकेट लाने से पहले छोटा पैकेट लाइए, अगर वो सूट कर रहा है तो उसका फिर बड़ा पैकेट मंगवाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, आई होप आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आएगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करिएगा कि उनको भी मेरी तरह अगर डायपर लेने में दिक्कत आ रही है तो वो इस वीडियो को देख के उनकी डायपर से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। सो आज की वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।